अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपना नाश्ता शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड और मेरे लिए चाय जो कि बन रही है। इसका कलर तो बहुत ही अच्छा आ गया है। और इसके साथ आज मैंने नाश्ते के लिए बनाया है अंडा, इसको कहते हैं अंडा घोटाला या फिर कहते हैं मसाले वाला अंडा। अब मैं पराठे बनाऊंगी और हम नाश्ता करेंगे आज, तो आगे भी और शेयर करती हूँ। लेकिन हम हमेशा, चाहे हम नाश्ता जितना भी कर लें, हम उसके साथ चाय के साथ ज़रूर बिस्किट ज़रूर खाते हैं। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से बिस्किट आज खाऊंगी। तो जी, अब ये मैंने पराठा बेल लिया है, तो अब मैं इसको तवे पर डालने लगी हूँ। तो जितनी जितनी मैं वीडियो दिखा सकती हूँ आपको, मैं दिखा रही हूँ, सही है? तो बल्कि मैं ज़्यादा ऑयली पराठा हम लोग नहीं पसंद करते, जस्ट मैं थोड़ा अंदर से ऑयल डालती हूँ, बाहर से मैं इतना नहीं डालती। डालती हूँ लेकिन इतना नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑयल इतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए मैं ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ। चलें फिर इसको तवे पे डालते हैं। ये देखें मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ दुबई में, मैं जब से आई हूँ, मैं तवा यूज़ नहीं करती, मैं फ्राई पैन यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो इसमें मुझसे तो अच्छी बन जाती है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमसे फ्राई पैन में अच्छी नहीं बनती, लेकिन मैं बना लेती हूँ। तो जैसे ही मेरी तैयार होती है चपाती, मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ। तब तक के लिए ज़रा वेट कीजिए। अभी उस साइड से ज़रा कच्ची थी तो मैंने पलट दी दोबारा। तो ये हो गया हमारा पराठा रेडी। घी तो मैंने लगाया है, ऑयल मैंने लगाया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इतना ही पसंद करते हैं। जी जनाब, तो ये है मेरा नाश्ता, पराठा, अंडों का सालन, बिस्किट एंड चाय।